द श्रेष्ठ भारत शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुलविश। शो में आप रोज देखेंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। तो श्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार से शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। वाराणसी के ज्ञान वापी मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तहखाने में हिंदुओं के पूजा पाठ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में ज्ञान वापी के तहखाने में पूजा रोकने के लिए अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस मामले में सुनवाई करते हुए वाराणसी जिला अदालत ने 31 जनवरी को तहखाने में व्यास परिवार को पूजा करने का अधिकार दिया था। आज का फैसला हिंदू समाज के लिए जीत है, देश के 100 करोड़ हिंदुओं की जीत है, विश्व के सभी सनातन धर्मियों की जीत है। यह फैसला हिंदू समाज के लिए टर्निंग पॉइंट है और व्यास जी के तहखाने में आज ही नहीं, हजार सैकड़ों वर्षों से व्यास जी का वहाँ कब्जा रहा हुआ है। हमको याद है बचपन से ही वहाँ रामायण पूजा पाठ महाभारत हुआ करते थे, उनके सामान को व्यास जी के तहखाने में रखा करता था, पूजन अर्चन हुआ करता था। लेकिन विगत कालखंड में उनसे 1993 में मुलायम सरकार ने जो है जबरदस्ती जबरिया उनको जो है बैरिकेटिंग लगा के उनके पूजा पर रोक लगा दिया था। 31 जनवरी को ही देर रात तहखाने में पूजा शुरू कर भी दी गई थी। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि तहखाना लंबे समय से हमारे अधिकार क्षेत्र में रहा है, ये ज्ञान वापी का हिस्सा है और उसमें डीएम समेत प्रशासन ने जल्दबाजी में पूजा शुरू करा दी जबकि इसके लिए समय था, पूजा तुरंत रोकनी चाहिए। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कुछ तथ्यों पर टिप्पणी की और कोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार 1993 से ही व्यास परिवार और श्रद्धालुओं को पूजा करने से रोकती आई है। राज्य सरकार ने लगातार गलत किया है, तहखाने में पूजा पाठ को रोकना श्रद्धालुओं के हित के खिलाफ होगा। सरकार ने 1993 में व्यास तहखाने में पूजा पाठ रोक दिया, सरकार का ये कदम अवैध था। लंबे वक्त तक हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा करने के लिए इंतजार करना पड़ा। 31 जनवरी को 31 साल बाद ज्ञान वापी का व्यास तहखाना अदालत के आदेश के बाद खोला गया था। वाराणसी कोर्ट ने 31 जनवरी को व्यास परिवार को व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार दिया था। कोर्ट के आदेश के करीब 8 घंटे बाद यानी कि रात 11 बजे ही तहखाने में स्थापित प्रतिमा की पूजा की गई। 3:30 बजे मंगला आरती हुई, इसके बाद सुबह से बड़ी संख्या में भक्त व्यास तहखाने में दर्शन करने पहुंचे। हालांकि उन्होंने बैरिकेडिंग से 20 फीट दूर से दर्शन किए। तहखाने में जाने का अधिकार सिर्फ व्यास परिवार को है। मुस्लिम पक्ष पूजा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँचा था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। हाईकोर्ट ने इस मामले में आज सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया, मतलब लोअर कोर्ट से हम लोग को जिला जज से फैसला मिल गया था और दर्शन पूजन भी शुरू हो गया, फिर भी मतलब गए इन लोग रोकने के लिए। क्यों रोकने के लिए गए, जब से मंदिर बनाए तब से यहाँ दर्शन पूजन होता आ रहा था। औरंगजेब ने मतलब ज्ञानवापी मंदिर को विध्वंस किया, उसके बाद भी यहाँ पे 1993 तक दर्शन पूजन होता आ रहा था। किसी मतलब राज्य सरकार की गलती की वजह से यहाँ पर दर्शन पूजन रुक गया था, लेकिन इस वक्त वर्तमान में हाईकोर्ट से हम लोग को इजाज़त मिल गई है दर्शन पूजन की, तो इसमें क्या गलत है? हमारा नीचे मंदिर है, हमारा मंदिर है, हम मंदिर में पूजा नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे? इनके मस्जिद में जाके तो पूजा नहीं करेंगे। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या से सनसनी फैल गई है। राठी की 25 फरवरी की शाम को हत्या कर दी गई। वारदात उस वक्त हुई जब राठी बहादुरगढ़ के पास बराही रेलवे फाटक बंद होने की वजह से रुके थे। I-10 कार में आए बदमाश राठी की कार के पास पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की माने तो इस वारदात में 40 से 50 राउंड फायरिंग की गई। हत्या से पहले का एक CCTV फुटेज सामने आया है, इसमें बदमाश सफ़ेद रंग की कार HR51BV1480 नज़र आ रही है। फुटेज में ड्राइवर फ़ोन पर बात करता हुआ नज़र आया। इस मामले में पुलिस ने राठी के भांजे की शिकायत पर भाजपा पूर्व विधायक नरेश कौशिक, पूर्व चेयरमैन करमवीर राठी, पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के बेटे सतीश नंबरदार, राहुल, कमल और गौरव के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। झज्जर के SP अर्पित जैन के मुताबिक पूरी वारदात की तफ्तीश के लिए 2 DSP के नेतृत्व में 5 टीमें बनाई गई हैं।
CIA और STF को भी जांच में शामिल किया गया है। इस हमले में रांची के 7 पार्टी कार्यकर्ता जयकिशन दलाल की भी मौत हो गई। वहीं भांजे संजय और निजी सुरक्षाकर्मी की हालत गंभीर बनी हुई है। फायरिंग में राठी वाली साइट पर गाड़ी की बॉडी से कुल 10 बुलेट्स आर पार हो गई। 6 गोलियां खिड़की के शीशे को तोड़कर राठी को लगी। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे गनमैन पर वो फायरिंग की गई। उनमें से 4 गोलियां गाड़ी की बॉडी के आर पार हो गई। कुछ बुलेट्स जयकिशन और संजीव को लगी। अंदर किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला, इतनी गोलियां चली हैं। हमलावरों का टारगेट सीधे नफे सिंह राठी ही थे, इसलिए उन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी पर सामने की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की। यही वजह रही कि गाड़ी की विंडशील्ड को इस फायरिंग में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पुलिस को मौके से 21 खोल बरामद हुए हैं। अधिकारियों को शक है कि हत्या में 3 तरह की गन का इस्तेमाल हुआ है। मेरे पिताजी पिछले 5 सालों से डिमांड कर रहे थे, बार बार इनपुट आ रहा था, बार बार CID की रिपोर्ट भी यहाँ से जारी थी, लेकिन ऊपर बैठे सरकार में लोग वो यही चाहते थे कि नफे सिंह जब तक बाधवगढ़ से हरियाणा की राजनीति में है तब तक मुद्दे उठाते रहेंगे, चोरी और डकैती के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे, सरकार की कुनीतियों के खिलाफ आवाज़ें उठाते रहेंगे। और यही था कारण कि पहले तो हमें झूठे मुकदमे लाद कर दबाया गया, जब उनसे पेट नहीं भरा तो हमारे पिताजी की हत्या करवा दी। उत्तराखंड सरकार दंगाइयों से नुकसान की वसूली के लिए बिल लेकर आ रही है। इस बिल के आने के बाद दंगा करने वालों से ही राज्य या निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान की वसूली की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने हल्द्वानी हिंसा में हुए नुकसान की वसूली दंगाइयों से करने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ऐसा कानून पहले ही बना चुकी है। कोर्ट के आदेश पर नगर निगम की टीम हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने के लिए गई तो न केवल उन पर पथराव हुआ बल्कि दंगाइयों ने थाने तक को नहीं बख्शा। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले अब्दुल मलिक के इशारे पर समुदाय के सैकड़ों लोगों ने इलाके में कोहराम मचा दिया। इस हिंसा में दंगाइयों ने पुलिस थाने तक को नहीं बख्शा और उसे आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा के दौरान लोगों की निजी संपत्तियों को बहुत नुकसान पहुंचा था। इसके बाद से ही धामी सरकार मन बना रही थी कि उत्तर प्रदेश की तरह से ही उत्तराखंड में कानून लाया जाए ताकि उत्पादी लोगों पर लगाम लगाई जा सके। एक बार इस तरह का कानून आएगा और दंगाइयों से पैसे वसूले जाएंगे तो ये बाकी लोगों के लिए नज़ीर बनेगा। इस कानून के आने के बाद व्यापक पैमाने पर होने वाली हिंसा में कमी आएगी और लोग किसी भी तरह का दंगा फैलाने से पहले सोचेंगे कि दंगा करके न केवल उन्हें जेल जाना पड़ेगा बल्कि हर जाने की भरपाई में उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा और उनका परिवार सड़क पर आ जाएगा। पाकिस्तान के लाहौर शहर से एक खौफनाक घटना के वीडियो ने सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है। लाहौर के एक रेस्टोरेंट में एक महिला अपने पति के साथ खाने के लिए आई थी। इस महिला की ड्रेस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। इस ड्रेस को देखकर वहां मौजूद कुछ लोग भड़क गए। उन्होंने अरबी में लिखे शब्द को कुरान की आयत बता दिया और इसे ईश निंदा से जोड़ दिया। इसके बाद सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक के सदस्य वहां पहुंचे और उन्होंने सिर तन से जुदा के नारे लगाने शुरू कर दिए। खून की प्यासी इस भीड़ के बीच लाहौर के गुलबर्ग इलाके की ASP शहरबानो नकवी अपने साथी अधिकारियों के साथ वहां पहुंच गई और TLP के कार्यकर्ताओं के सामने चट्टान की तरह खड़ी हो गई। उन्होंने इस भीड़ को न केवल करारा जवाब दिया बल्कि महिला की जान को भी बचाया। लाहौर की ASP शहरबानो नकवी की इस जाबाजी की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस घटना के वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि अरबी लिखे कपड़े पहनने वाली महिला बेहद घबराई हुई है। ASP शहरबानो नकवी इस महिला को किसी तरह से रेस्तरां से निकालकर थाने ले गई। TLP के कट्टरपंथियों के भारी दबाव के बाद महिला को माफ़ी भी मांगनी पड़ी। उसने बताया कि वे 5 बार नमाज पढ़ती है और इस्लाम के हर नियम को भी मानती है। बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना लाहौर के इचरा इलाके में हुई। घटना के वीडियो में नज़र आ रहा है कि ASP शहरबानो नकवी ने अपने हाथों में महिला को भर लिया और किसी तरह से भीड़ के बीच से उसे निकाला। जब महिला को निकाला गया तो उसे काला बुरका पहनाया गया। ASP शहरबानो नकवी ने बताया कि ये महिला वहाँ पर खाना खाने के लिए अपने पति के साथ आई थी। जब ये पूरा विवाद चल रहा था तब एक व्यक्ति ने बताया कि इस कपड़े पर कुरान या कोई ईश निंदा वाला शब्द नहीं लिखा था।
इसके बाद भीड़ नहीं मान रही थी, आखिरकार पीड़ित महिला को ही माफी मांगनी पड़ी। किसान आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। ये रैली 4 घंटे चलेगी। रैली सुबह 11 बजे शुरू होकर 3 बजे तक चलेगी। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हमने किसानों से कहा है कि दिल्ली की तरफ जाने वाले हाईवे, खासकर डिवाइडर हाईवे पर ट्रैक्टर लगाएं। किसान आंदोलन का आज सोमवार को 14वां दिन है। किसान दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाल चुके हैं, हालांकि वे पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान मांग कर रहे हैं कि भारत को किसानों के हित में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल आना चाहिए और WTO के साथ अपने सभी करार तोड़ लेने चाहिए। किसानों ने केंद्र से बातचीत का इशारा किया। किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सरवण पंधेड़ ने शंभू बॉर्डर पर कहा, सरकार बॉर्डर और इंटरनेट खोलने का काम कर रही है, अब इस माहौल में सही से बातचीत हो सकेगी। 21 फरवरी को पंजाब हरियाणा के बीच खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और किसान के बीच झड़प के दौरान एक युवा किसान की मौत हो गई थी। किसान और सरकार के बीच गतिरोध टूटने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह की मांगे किसानों ने सरकार के सामने रखी हैं, उन्हें पूरा कर पाना मुमकिन नजर नहीं आता। इस बार किसान आंदोलन को लेकर सरकार पहले से ही सजग है। यही वजह है कि सरकार किसानों को शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने दे रही। किसानों को भी इस बात का एहसास है कि उन्हें सरकार से बातचीत करने में ज़्यादा फायदा है। बहुत लंबे वक्त तक आंदोलन को चलाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में वो अपनी कुछ मांगे मनवाने के बाद आंदोलन वापस भी ले सकते हैं। द श्रेष्ठ भारत शो में ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त और इस तरह की खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।